हाय फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ गोश्त का अचार। गोश्त को अच्छे से धो ली हूँ मैं। 1 किलो गोश्त ली हूँ, प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। इसको अच्छे से गला लेंगे कुकर में। हल्दी पाउडर डाली हूँ मैं, नमक डाल रही हूँ, अदरक लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिला लेंगे। हल्दी अदरक नमक लग गया इसको अच्छे से। अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर कुछ 6 या 7 विजल तक हम गला लेंगे। देखिए हमारा अच्छे से गोश्त गल गया है। इसका पूरा पानी सुखाना है गोश्त का, अच्छे से ड्राई करना है गोश्त को। इधर मैं मसाले ली हूँ, धनिया, लाल मिर्ची और मेथी और जीरा, राया और थोड़ी कलौंजी ली। इसको पीस लेंगे, भूनकर पीस लेंगे थोड़ा सा। इधर कढ़ाई रखी हूँ मैं, हल्का सा इसको भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा हल्का सा भूनना है। ज़्यादा भूनने से मसाले कड़वे हो जाते हैं। इधर कढ़ाई ली हूँ मैं, ऑयल डाल रही हूँ। तो गोश्त गला लेगा उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो जाए उस तक फ्राई करेंगे। ऐसा फ्राई करना है गोश्त तेल में। देखिए हमारा कलर ज़रा चेंज हो गया है गोश्त का। ये सब निकाल लेंगे साइड में। फिर इसको मैं बघा रही हूँ, थोड़ा जीरा ली हूँ, राया ली हूँ, 3 मिर्ची ली हूँ, लाल मिर्ची ऑयल में डाली हूँ। ये थोड़ा करी पत्ता डाल रही हूँ और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ डाली हूँ। इसको भी अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे, घी में 5 मिनट फ्राई करेंगे। इधर गोश्त डाल रही हूँ, हमारा फ्राई किया हुआ गोश्त। और ये मैं मसाले पीस ली हूँ, अचारी मसाला है ये, मैं डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमारा अचार कितना कलरफुल लग रहा है। अब मैं नमक डाल रही हूँ। गोश्त में थोड़ा ही सा डाली थी नमक, इसमें थोड़ा डाल रही हूँ नमक और थोड़ी लाल मिर्ची डाल रही हूँ। नमक मिर्ची अच्छा रहने से अचार अच्छा रहता है, चटपटा रहता है अचार। तेल नमक मिर्ची अच्छा रहना है अचार में, बहुत ही मज़े का होता है अचार। देखिए ऐसा स्लोली पकाना है। तो नींबू डाल रही हूँ, 6 से 7 नींबू का रस ली हूँ मैं, वो डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। आप 1 महीने 2 महीने इसको होकर कभी खा सकते हैं। इसको थोड़ी देर पकने देंगे। देखिए हमारा अचार कंप्लीट हो गया है।